दुनिया आप पर हंस रही होगी कि आज चौथा दिन है या पांचवा दिन है या तीसरा दिन है, अभी तक इसकी FIR दर्ज नहीं हुई। यानी इससे बड़ी कोई काबिल अफसोस बात और हो सकती है? कोई FIR दर्ज नहीं होती जब कुएं होते हैं, FIR दर्ज होती हैं अगर वो झूठी साबित हों। तो 182 की कार्रवाई होती है, उसको झूठ में उसको मुदई को अंदर कर दिया जाता है। ये हमने कभी नहीं देखा कि FIR, और इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा वाकया जिसने हिला कर रख दिया है पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान के इखलाकियात को तो बिल्कुल परा परा करके रख दिया है कि अभी इतने दिन हुए हैं FIR दर्ज नहीं हुई जी। वाह भाई वाह, क्या हम सिविलाइज कौम कहलाने के मुस्तहिक हैं दुनिया में? FIR दर्ज करें और तफ्तीश करें। और FIR जो है वो मुदई के कहने पर होती है, बाकी आप तफ्तीश अपनी करते रहें जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन एक मुदई जो एग्रीव्ड है उसकी आप बात क्यों नहीं सुनते और उसकी बात पर FIR क्यों दर्ज नहीं करते? पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, ये क्यों नहीं कर रही? बात है साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब में आपकी हुकूमत है वो क्यों नहीं दर्ज करती? देखिए जी, अब हुकूमत की मैं क्या बात करूँ, मैं तो सीधी सीधी सी बात, क्योंकि हम वकील हैं, रोजाना हमारा कचहरी में यही मसला है। मुदई चीख चीख कर कुछ और कह रहा है। मुदई की रात की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो कि काट कूट के सेंसर होके आ रही थी बार, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कि सबसे बड़ा अदारा है इंसाफ का, कानून का, और जो कि पाकिस्तान के आइन की भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, कानून की भी करते हैं, और गुनाहगारों को सजा भी देते हैं, गुनाहों को बरी भी करते हैं, उनसे अपील की है उन्होंने कि जनाब मेरे ये मुल्जम है, ये मेरी इस केस को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये औहदे हैं, ये घूमती औहदों पर बैठे हुए हैं, तो खुदा रहा इनको एक साइड पे करके ताकि मेरा केस इन्फ्लुएंस ना हो। तो क्या कभी FIR है? मीर साहब आपका तो बड़ा तजर्बा है, क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम नहीं थे और उनके खिलाफ FIR लिखी गई थी?